हाँ, मेरे लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग हुआ था कि जब से मेरा हमारी दोनों सर का सपने थे ओलंपिक में मेडल जीतना, तो वो हम मैंने 2016 से हमने पूरा तैयार की थी। 2016 जो ओलंपिक है तो उसी में हमारी फर्स्ट ओलंपिक भी थे, तो थोड़ा नर्वस भी हो गया था, तो मेरा मेडल मिस हो गया था। उसी के बाद हमने पूरा मेहनत की थी कि हमने ट्रेनिंग चेंज किया, कैसे करना है। रियो से मैंने बहुत सारी सीखी है, तो उसी के बाद हमने पूरा दिल से मेहनत किया, इतना हार्ड वर्क किया था। ये 5 साल हमने पूरा सेक्रीफाइस करके हमने इसी ये टोक्यो ओलंपिक में एक मेडल लेने के लिए हमने बहुत ही मेहनत की और बहुत सारी सेक्रीफाइस किया, तो आज यही तक पहुंचे हैं। बिल्कुल। और अमिता, अगर हम बात इवेंट डे की करें, उसके एक दिन पहले की जो रात थी वो कैसी थी आपके लिए? क्या आपको नींद आ पा रही थी? क्योंकि काफी प्रेशर होता है, एक्सपेक्टेशन थी कंट्री को आपसे, पहले से ही हम मान के चल रहे थे कि मीरा का तो मेडल आना ही है। हाँ, मैं थोड़ा सा नर्वस भी और प्रेशर भी थी, क्योंकि पूरा भारतवासी को मेरे ऊपर होप रखी थी, उन्होंने मीरा बाई मेडल लेके आएगी, तो उस सब चीजों को लेके मुझे थोड़ा सा टेंशन भी होता कि मुझे कल सोच तो लिए थी मैं अच्छा करूंगी, मैं बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगी, मैं जो भी 5 साल में पूरा मेहनत किया है उसको पूरा बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए, पर फिर भी थोड़ा सा मुझे टेंशन भी हुई थी, पर मैंने पूरा मन से मैंने कंपटीशन किया। अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल बात करें मेरा, स्नैच में और क्लीन एंड जर्क में जिस तरीके से आपने लिफ्ट किया, आपसे आगे चल रही थी चाइनीज पे जिसने गोल्ड मेडल लिया, उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था स्नैच के बाद, अगर हम क्लीन एंड जर्क की बात? हाँ, मैं पहले से स्नैच में एशियन चैंपियनशिप में भी स्नैच में काफी डाउन हुई थी, तो हमने स्नैच में काफी काम किया, तो कॉन्फिडेंस तो पूरा थी मेरा स्नैच में। मैं पूरा मैं सोच के गई थी कि मैं पूरा दिन की दिन लिफ्ट पास करने के लिए जो हमने ट्रेनिंग में किया है वही पूरा करने के लिए मैंने कोशिश किया था, तो लास्ट में मैंने भी फाइट की थी पर नहीं हो पाई, तो फिर भी मैंने चाइना स्नैच में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, पहले से काफी ऊपर थे, तो फिर भी मैंने बहुत चैलेंज किया था, उसके साथ फाइट किए थे। एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि ओलंपिक में जाके पार्टिसिपेट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, उससे बड़ा कुछ नहीं, ड्रीम होता है हर एक एथलीट का, आपके पास सिल्वर मेडल है वहाँ का, थोड़ा एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, ओवरऑल कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा रहा, ऐसा लगा था कि हमारी सपना पूरा हुआ है, यह 5 साल का इतना मेहनत वो सब एक दिन में सब मिल गया, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुश है। अगर हम तैयारियों की बात करें मीरा, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम भी थी, पेन होता था, साई ने काफी कुछ आपके लिए मदद के लिए हाथ बढ़ाया था, हर एक चीज का ध्यान रखा, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से एक जो डिसीजन था यूएस जाने वाला अप्रैल में, वो आपको लगता है कि इस मेडल के पीछे एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, हाथ रहा? बहुत सपोर्ट रहा मेरा, हम यूएसए के लिए हम टीम जाने वाली थी पर वीजा के नहीं हुआ था, तो हम लास्ट मूवमेंट में यूएसए का फ्लाइट सब बंद होने वाली थी, तो लास्ट मूवमेंट में एक दिन में हम पूरा हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्टर और हमारी प्राइम मिनिस्टर जी ने एकदम से 1 घंटे के अंदर हमको टिकट करा के दिया, और सब ये सब तैयारी में जल्दी जल्दी करके हमको यूएस से भेजा था, तो इसी में से बहुत ही हेल्प मिला, बहुत सपोर्ट मिला, मेरे ट्रेनिंग में भी काफी चेंज भी मिला था, तो मैं हमारी प्राइम मिनिस्टर जी टॉप्स का सारी हमारी सपोर्ट सपोर्ट है, वो मैं थैंक यू धन्यवाद बोलना चाहती हूँ।